थोड़ा आता है मुझे कोई। देश शोभला हिमाचल हमारा। नमस्ते जुले दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ नाको गांव। नाको गांव किन्नौर जिले में बसा एक छोटा सा गांव है। ये गांव तिब्बत सीमा पर है और ये हंगरंग वैली, खूबसूरत नाको झील और मोनेस्ट्री के लिए जाना जाता है। नाको में बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, ऐसा कहा जाता है। 8वीं शताब्दी मतलब 18th सेंचुरी में बुद्धिस्ट के गुरु रिंपोचे बौद्ध धर्म को नाको में लाए थे और बाद में जो इनके ग्रेट ट्रांसलेटर थे रिंगचिन जांगपो, उन्होंने 11वीं शताब्दी में यहाँ पे मोनेस्ट्री की स्थापना की थी। और ये वो पुरानी मोनेस्ट्री जो 11वीं शताब्दी में बनी थी। इस मोनेस्ट्री के अंदर सारी दीवारें बौद्ध देवी देवताओं के चित्रों से बनी हुई हैं और मिट्टी की मूर्तियां भी यहाँ हैं। 1975 में जब यहाँ अर्थक्वेक आया था तो काफ़ी बिल्डिंग्स अफेक्ट हुई थी और कई आर्ट वर्क जो मोनेस्ट्री में थे वे सब डैमेज हो गए थे। इस भूकंप की घटना के दौरान यहाँ की मोनेस्ट्री और कई बिल्डिंग की छतें डैमेज हो गई थी। मॉनेस्ट्री देखने के बाद अब चलती हूँ गांव की तरफ। और आप यहां देख सकते हैं सारे घर मिट्टी लकड़ी पत्थर से मिलकर बने हैं और मिट्टी के घरों की खासियत ये होती है कि गर्मी में ठंडे और ठंडे में गर्म रहते हैं और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी स्वस्थ साबित हुए हैं। और सच बताऊं यहाँ मुझे एकदम भूल भुलैया वाली फीलिंग आ रही थी कि समझ नहीं आता कौन से रास्ते से निकलूं और मैं लेक के पास पहुंचूं। और आप देख सकते हैं यहाँ गांव में आपको हर जगह आपको ये मानी स्टोन मिलेंगे जो जिसमें जो पवित्र चैंट है ओम माने पद्मे होम, इसको काव किया गया है और ये बेसिकली पूरे गांव में पॉजिटिविटी के लिए होता है कि और जो नेगेटिविटी है उससे प्रोटेक्ट करती है ये चीज़ें। तो ये हर गांव में आपको यहाँ स्तूपा और ये जो आपके काव्ड मानी स्टोन हैं ये मिलेंगे और ऑब्वियसली जो आपके प्रेयर फ्लैग हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखेंगे। थोड़ा थोड़ा भी आता है बुटे कोई कहाँ आता है। अच्छा फोटो फोटो ची बेका जी बुटे को फोटो क्या खा जाए। ये मैं पहुंच गई हूँ नाको लेक। इस लेक के बाउंड्री में जो पॉपुलर और ये जो विलो के पेड़ हैं इनकी शैडो लेक पर जब पड़ती है तो बहुत ही सुंदर लगती हैं। इस लेक में आप बोटिंग भी कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू लोकल्स यहाँ पर पहले फेरीज यानी परियां यहाँ रहा करती थी। लेक से कुछ दूरी पर एक चट्टान है जिसके बारे में माना जाता है कि 8वीं सेंचुरी के बौद्ध गुरु पद्मसंभव के फुटप्रिंट यहाँ इस चट्टान पर हैं, जिन्होंने पहले बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री बनाने में मदद की थी। Thank you.
इसके बाद मैं एक ढाबे पे चली गई जहाँ मैंने मैगी और चाय पी। यहाँ ज़्यादा ढाबे थे नहीं तो एक ही मुझे यहाँ पे खुला दिखा तो मैं यहाँ पे चली गई थी। और बस मैंने यहाँ खाने के बाद मैंने सोचा अब दूसरी जगह जाया जाए। गांव से फिर एक छोटा सा ट्रैक है जहाँ से आपको पूरा नाको विलेज, नाको लेक आपको बहुत सुंदर दिखेगा, आप देख सकते हो। और ये थी नाको विलेज की एक छोटी सी झलक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।